कैसे हो? आज मेरे ट्रिप का सेकेंड डे है। मैं गांव का एक ब्यूटी रिसोर्ट में रुका हुआ हूँ, तामिनी में। और वो गांव का नाम तो मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही रिसोर्ट है यहाँ इनके ये एरिया में। और दो तीन ये साइड में बहुत से इको फ्रेंडली रिसोर्ट्स है। ये भी रिसोर्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मैसिव एरिया में ये है। ये साइड मेरी रूम है, देखो ये मैं अभी गैलरी में है, ये रूम है मेरी। ये देखो, ये यहाँ भी ये छोटे छोटे रूम से होटल के वो सामने दिख रहा है, वो येलो कलर का। और स्विमिंग पूल है वहाँ, एक हट जैसा बनाया हुआ है, उसमें भी आपको आप बैठ सकते हो। कल तो ये रिसोर्ट में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज आ सकते हो क्योंकि आज गवर्नमेंट हॉलीडे भी है गांधी जयंती की वजह से। तो आज पुणे से नज़दीक होने के कारण पुणे से बहुत सी भीड़ वन डे ट्रिप के लिए भी आ सकती है। मेरा रिसोर्ट तो कल तक है, कल हम लोग सुबह 11-12 बजे मुंबई के लिए निकलेंगे। ये देखो, यह पूरा ग्रीन है, लॉन जैसा बनाया गया है पहाड़ के स्लोप पे। आज मैं ये आजू बाजू का एरिया भी एक्सप्लोर करूँगा, देखता हूँ। एक आगे वाटरफॉल है, कल मैं एक वहाँ रोड पे जो स्टॉल था उसके एक लड़का था, उससे बात किया था। वो बोला एक यहाँ नज़दीक वाटरफॉल है, वहाँ तक गाड़ी जा सकती है। तो देखता है, वो मैं उधर लोकल जो गांव वाले हैं उनको पूछूंगा, और अगर ज़्यादा चलना नहीं तो वो मैं वहाँ जाऊँगा। यहाँ एक नज़दीक देवकुंड वाटरफॉल भी है, लेकिन उसका ट्रैक ये 1.5-2 घंटे का, 7 किलोमीटर का ट्रैक है, और वो जंगल से है। तो ये टाइम तो हम लोग नहीं जाएंगे, अगले टाइम देखते। यहाँ से आप तामिनी घाट से ऊपर जाते हो तो आगे कोलाड के वह कुंडलिका का रिवर राफ्टिंग और बाकी बहुत से वहाँ एक्टिविटीज़ है रिवर की। भीरा के भीरा में टाटा का एक और एक डैम है, वहाँ से आप वहाँ से कुंडलिका रिवर का उगम है वहाँ, और वो आगे चल के अरेबियन सी को मिलती है। वो एरिया भी बहुत ही अच्छा है, वहाँ रिवर के आजू बाजू में टेंट्स टेंट बनाए हुए हैं, वहाँ भी आप रह सकते हो। अभी मैं जाते टाइम वो वहाँ जाऊँगा, देखता हूँ कैसा है। इनकोर ब्यूटिक रिसोर्ट से मेरे गैलरी से व्यू है, देखो पीछे ये नीचे स्विमिंग पूल दिख रहा है। यहाँ ये झाड़ के पीछे नीचे रेस्टोरेंट और रिसेप्शन है, और पीछे देखो वो बैक वाटर्स दिख रहा है मुलची के डैम का, और उसके पीछे भी पहाड़ है। यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है क्योंकि पूरे चारों साइड से पहाड़ और वैली में घिरा हुआ ये प्लेस है। यहाँ से आप तामिनी घाट चढ़ के अराउंड 15 किलोमीटर के बाद तामिनी घाट है, वहाँ से आप कोकण में एंट्री करते हैं कोलाड और माणगांव साइड में, और यहाँ से एक 50 किलोमीटर पे पुणे है। चिंचोड़ भी उतना ही होगा, पिंपरी चिंचोड़। तो पुणे से आने वाले पर्यटकों के लिए यह एरिया बहुत ही नज़दीक है। मुंबई वाले को थोड़ा लंबा है, तो भी 3-4 घंटे में आ जाते हैं। मुंबई वाले को 2-3 ऑप्शन है, एक लोनावले के वहाँ से आते हैं, एक पुणे से आते हैं, और एक कोकण साइड से कोलाड से आते हैं दामिनी घाट थ्रू। ये देखो मेरे बाहर का मेरे ये मेरी रूम है ये, और यहाँ एक वो साइड में जो रूम है वो हमारी 2 रूम थी, और ये मेरे बाहर के साइड का नज़ारा देखिए। मेरे ऊपर जो सीढ़ियाँ दिख रही है वह मचान है, वो व्यू पॉइंट है। यहाँ भी अलग अलग रूम है ऊपर। अभी हम लोग बाद में ब्रेकफास्ट करने को जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 10-10:30 बजे तक है, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे।
ऊपर वो मचान बोला जाता है, वो एक शेड दिख रही है, वहां से पूरा वैली का व्यू दिखता है। ये भी, ये रूम नंबर 1002 भी हमारी ही है। यहाँ से भी बहुत ही, देखो हम लोग बाहर नीचे से आ रहे थे, वो सामने नीचे देख रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और रिसेप्शन है, वहां से हम लोग आए थे ऊपर। बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है। यहाँ भी कुछ रूम्स है। यहाँ भी कुछ रूम्स है। ये ऊपर मचान है। अभी हम लोग, मैं आपको रूम का व्यू देता हूँ, इसका मैं सेपरेट वीडियो भी डालूंगा, वो भी आप देखिए। ये देखो, ये बाथरूम है, छोटा सा बाथरूम है लेकिन बहुत ही बढ़िया है, क्लीन है बेसिकली। ये हमारी रूम है, देखिए। यह लगा एलईडी टीवी दिया हुआ है और एसी भी है रूम में। ये देखो, अभी थोड़ा बारिश का मौसम बन रहा है ऐसा लग रहा है, देखते हैं। अच्छा, बारिश आज होएगी तो बहुत ही मजा आएगी, आज के दिन बारिश आनी ही चाहिए। ब्रेकफास्ट के लिए निकल, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं। आज मॉर्निंग में लगता है थोड़ा यहाँ बारिश हो चुकी है। ये नीचे से रेस्टोरेंट और रिसेप्शन है। मैं अभी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर के साइड लेक व्यू देखने के लिए मचान मनाए रहे हैं, मराठी में मचान बोलते हैं। वहाँ से टॉप व्यू आता है पूरा लेक का, वो देखने के लिए जाएंगे। मेरे रिसोर्ट मेरे रूम के ही ऊपर है, तो वो भी आप देखिए, आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा एक्सप्लोर करने के लिए, आगे बाजू का एरिया में। मोस्टली मैं लंच आज दोपहर का बाहर ही करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ का उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ये रिसोर्ट जबरदस्त है। चटनी मिलेगी? हाँ, एक शानदार बना, बोल ना तो चटनी लगा तुला क्या अजुन क्या। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट खत्म हो रहा है, हम लोग इसके बाद वो मचान पे जाएंगे। आता मचानला जायचं ना वरती आणि बाहेर जाऊ।
काय गर्दी नाही रे, पण आता हॉटेलमध्ये गर्दी व्हायला लागली. कारण काल रात को फोन आया था 10:30 के पहले आएगा तो ही ब्रेकफास्ट मिलेगा. तू जाते माझ्या याच्यात पाऊस ब्रेकफास्ट में यहाँ इडली सांभर है, इडली चटनी है, मसाले डोसा है और ब्रेड बटर है, स्प्राउट है और बाकी पूरी भाजी है, ऐसे ही आइटम है. अभी आमलेट है क्या मालूम है, अगर बोलते होगे तो देते भी होगे, वो मैंने पूछा नहीं. लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया है. ये देखो, ये मेरा रिसोर्ट का रेस्टोरेंट है, क्लीफ रेस्टोरेंट. हम लोग का भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम लोग अभी मचान पे जा रहे हैं. ऊपर जहाँ से व्यू पॉइंट है वहाँ से आपको पूरा बैकवाटर्स का बैकवाटर्स दिखता है, मुलशी डैम का. अभी बारिश होने के कारण वो बैकवाटर में अच्छी खासी अच्छा पानी है. लेकिन मेरे को यहाँ ये बैकवाटर्स के आजू बाजू में देखा, मेरे को किधर ही भी बोटिंग के लिए है ये एरिया में बोटिंग करने के लिए कुछ परमिशन है क्या, ऐसा नहीं लग रहा है. क्योंकि बोटिंग के कौन से भी स्पॉट नहीं है जहाँ से हम लोग बोटिंग कर सकते हैं लेक में. आई थिंक उसके दूसरे कोने में बोटिंग हो सकता है, हमको मालूम नहीं, वो देख लेंगे. ये हमारे रेस्टोरेंट क्लिफ रेस्टोरेंट का व्यू, यहाँ ही रिसेप्शन है. पहले आप यहाँ आ जाते हो तो यहाँ ही आपसे एंट्री होती है, आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस चेक करके उसके बाद आपको रूम अलॉट की जाती है. काम रे रे. हम लोग अभी यहाँ एक व्यू पॉइंट है, मचान बोलते हैं मराठी में, वहाँ जा रहे. वहाँ से तामिनी का बैक वाटर का पूरा व्यू मिलेगा. के सामने देखिए सीढ़ियाँ दिख रही है. और ये हमारी सामने व्यू रूम दिख रही है. ये देखो ये व्यू पॉइंट है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है. आई थिंक यहाँ ये सामने दिख रहे वो बाउंड्री है. ये देखो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे. थोड़ा स्लिवरी हो सकता है बारिश के वजह से, पूरा आयन का सीढ़ियाँ है. ये देखो पूरा आयन का सीढ़िया है, बड़ी सीढ़िया है, उतनी दिक्कत नहीं है. ओ ये देखो स्टनिंग व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल.
देखो पूरा तामिनी का सामने पहाड़ जो दिख रहे हैं वो तामिनी के है पूरा। और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जंगल व्यू, फिर पीछे पहाड़े, तीनों साइड से पहाड़े, उसके वजह से यहाँ दिक्कत है थोड़ी नेटवर्क की। येत नाही लंबा, वो मुल्शी के साइड का रोड दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। बहुत ही जबरदस्त, ये देखो क्लाउड्स के सुंदर नज़ारे, ब्लूइश, और क्योंकि पोल्यूशन फ्री एरिया है उसके वजह से क्लाउड्स भी ब्लूइश है। अभी मैं सेकंड टॉप की लेवल पे पहुंच रहा हूँ, पहुंच गया ऊपर। पीछे साइड पूरा जंगल है, आई थिंक ये नीचे मेरे रिसोर्ट की बाउंड्रीज है। वहाँ भी रोड बनाया है, आई थिंक वो ट्रेकिंग के ट्रिक्स के लिए, स्मॉल ट्रिक्स के लिए वो एरिया है। रात को यहाँ लाइटिंग किया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया, स्टनिंग व्यू ऑफ मुल्शी लेक, बैक वाटर्स ऑफ मुल्शी डैम। ये आगे जो रोड दिख रहा है आपको पिक्चर फ्रेम में आ रहा है वो तामिनी के लिए जाने वाला रोड है, और ये साइड जो रोड दिख रहा है वो मैं हम पूना साइड से हमारे रिसोर्ट के यहाँ आते हैं। यहाँ गाड़ियाँ भी दिख रही है, आई थिंक सामने के पहाड़ पे भी छोटे छोटे होटल्स ही दिख रहे हैं, वो रिसोर्ट हो गए इंटीरियर में, लेकिन वहाँ कैसा जाना वो मालूम नहीं है। आई थिंक यहाँ किधर ब्रिज नहीं है तो वो बड़ा राउंड ट्रिप हो सकता है वहाँ पहुँचने का, तो 30-40 किलोमीटर का पूरा एरिया कवर करना पड़ सकता है। देखो ये पीछे साइड भी पहाड़ है, सामने साइड पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, उसके वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये नीचे पिक्चर फ्रेम में जो रूफ वाला रूम दिख रहा है वो मेरी रूम से। बहुत से लोग आज चेकआउट कर रहे हैं, आज आने वाले भी बहुत हो गए, आज भीड़ हो सकती है, दोपहर के बाद आएंगे 1 बजे चेक इन कर यहाँ का टाइम है तो ऑनलाइन लोग यहाँ आएंगे। बहुत ही मैं सबको प्रीफर करूंगा कि ये रिसोर्ट आप बुक कर सकते हैं, वैली डायमंड बुक करेंगे तो आपको ये अराउंड 7500 के आसपास भी मिल सकता है। हमको थोड़ा महंगा मिला क्योंकि आज गांधी जयंती का नेशनल हॉलीडे है और कल संडे है, तो 2 दिन का छुट्टी लेके लोग यहाँ आते हैं, खास करके पुणे एरिया के लोग बहुत आते हैं क्योंकि उन लोग को जस्ट 1 आवर का ड्राइव है यहाँ आने के लिए। मुंबई वाले को आना है तो 2-3 रूट है, एक लोनावला साइड से एम्बे वैली से है, एक पुणे से चांदनी चौक से पौड़ मुल्शी रोड से है, और मुंबई, और तीसरा रूट है तामिनी घाट से जो कोलाड़ के साइड, माणगाँव के साइड से आप घाट चढ़ते हैं और उतर के उतरेंगे तो इमीडिएट ये रिसोर्ट आता है। इसको मचान बोलते हैं,
बेसिकली ये बैक वाटर्स का व्यू पॉइंट बनाया उन लोग ने, बहुत ही बढ़िया। लीना स्टनिंग व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। आज वेदर क्लियर है लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा बारिश हो जाए तो मज़ा आएगी। बहुत ही बढ़िया व्यू। देखो यहाँ थीक फॉरेस्ट है। कल मैं एक से बात किया तो वो बोला कि यहाँ लेपर्ड्स भी है तामिनी घाट के साइड में। कभी कभी वो ये पहाड़ से जनरली नहीं रहते लेकिन है। अभी सामने भी आप देख रहे हैं एक व्यू पॉइंट है कौन सा तो रिसोर्ट का, आपके पिक्चर में मैं आ रहा है या मालूम नहीं। ये देखो बैक वाटर्स का स्टनिंग व्यू, जबरदस्त बैक वाटर है और व्यू पॉइंट से बहुत ही चारों साइड से पहाड़ है। ये साइड मेरे राइट साइड में जो रोड आ रहा है वो पुना साइड से आ रहा है और ये लेफ्ट साइड जो रोड जा रहा है वो तामिनी घाट की तरफ जा रहा है। ये देखो मुलशी के बैक वाटर्स, बहुत ही स्टनिंग व्यू। ऊपर के बादल क्लाउड्स भी देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लूइश, क्योंकि ये एरिया में पोल्यूशन नहीं है उसके वजह से ज़बरदस्त व्यू है। तीनों साइड से पहाड़ है और हम लोग अभी मचान पे है जो व्यू पॉइंट बोला जाता है। देखो पूरा थीक फॉरेस्ट है। अभी कल भी एक से मैं बात की तो वो बोला कि कभी कभी ये पहाड़ से भी लेपर्ड्स आ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ लेपर्ड्स नहीं है लेकिन कभी कभी जो इंटीरियर में घर है वहाँ अकेला एक दो घर है वहाँ लेपर्स आ जाता है। मेरे को एक लड़के ने बताया ये यहाँ नहीं आते हैं, वो तामिनी साइड में ज़्यादा करके आते हैं। ये पूरा व्यू पॉइंट है, देखिए यहाँ से सीढ़िया से हम लोग ऊपर आए। 2-3 फ्लोर्स का है इसकी हाइट, पूरा आयरन मेटल से बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। ये देखो थीक फॉरेस्ट है, पूरा सह्याद्री के पहाड़ है और सामने का एरिया देखिए, वहाँ लंबा जो रोड दिख रहा है वहाँ से हम लोग आए थे कल पुना साइड से और ये रोड जा रहा है यहाँ, ये टॉवर्स तामिनी घाट जाते हैं और वहाँ से आप कोकण में माणगांव साइड में कोलाड़ विले भगड़ वो साइड आप उतर जाते हो। हम लोग मुंबई जाते टाइम, नवी मुंबई जाते टाइम यही रोड से जाने वाले हैं तामिनी घाट से। वहाँ भी व्यू पॉइंट से है, वहाँ भी लोग ट्रेक्स के लिए आते हैं। वहाँ एक देवकुंड का वाटरफॉल से, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि वो एक ट्रेक 7-8 किलोमीटर का है। वहाँ आपको गाइड मिलता है 50 रुपये दे के, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे निकलेंगे तो आप वो वाटरफॉल तक जाके 4-5 बजे तक आ सकते हैं। वो हम लोग अगले टाइम अलग एक्सप्लोर करेंगे वन डे पिकनिक में। वहाँ नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ आप गाड़ी पार्क करें और वहाँ से गाइड लेके वहाँ जा सकते हैं। वो सिर्फ हम लोग वो ही करेंगे और वापस ऐसे सोच रहे अगले मंथ। वाटरफॉल्स वो और 1-1.5 महीना तो रहेगा क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हो रही है, उसके बाद वो पूरा ड्राई हो सकता है।